एक हालिया रिसर्च में सामने आया है कि करीब 80 करोड़ साल पहले चीन का एक बड़ा हिस्सा कभी हमारे नजदीक था। भौगोलिक तौर से तीन हिस्सों से जुड़कर बने चीन का दक्षिणी भाग उसके अन्य दोनों भूभाग के बजाय राजस्थान के उत्तर के नजदीक था। आज यह हिस्सा करीब 3500 किलोमीटर दूर जा चुका है। भारत और चीन के तीन जियोलॉजिस्टिक की रिसर्च में यह बात सामने आई है। इन तीनों साइंटिस्ट ने करीब 4 साल तक जोधपुर, बाड़मेर, जालोर, पाली, सिरोही की चट्टानों के साथ दक्षिण चीन की यांगत्से नदी के आसपास के इलाकों में रिसर्च किया। इससे पता चला कि पश्चिमी राजस्थान में 75 से 100 करोड़ साल पहले की आग्नेय चट्टानें मौजूद हैं जो लावा से बनी है। राजस्थान यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रहे M.K. पंडित, चाइना यूनिवर्सिटी ऑफ जियो साइंसेज वुहान के प्रोफेसर वेई वांग और प्रोफेसर जू हॉन्ग ने इस रिसर्च को अंजाम दिया। इस शोध पर जियोलॉजिस्ट्स के प्रतिष्ठित इंटरनेशनल संगठन एल्सेवियर ने मोहर लगाते हुए इसे रिसर्च जर्नल जियो फिजिकल रिसर्च लेटर्स में जगह दी है। रिसर्च के नतीजों से साफ है कि 80 करोड़ साल पहले भारत का भूभाग अपने मौजूदा स्वरूप में आ चुका था। तब चीन के बनने की प्रक्रिया जारी थी और उसके तीन टुकड़े अलग अलग थे। धीरे धीरे उसके तीनों हिस्से नजदीक आकर जुड़े और वर्तमान चीन का स्वरूप उभर कर सामने आया। वर्तमान में दक्षिणी चीन भारत के सुदूर पूर्व में स्थित है, जबकि पहले उत्तर पश्चिम में था। यह तब की बात है जबकि हिमालय भी नहीं था बल्कि उसकी जगह समुद्र था। आमतौर पर भूवैज्ञानिकों के रिसर्च में पहले 50 करोड़ साल की भौगोलिक स्थितियां ही पता लग पाती थी, लेकिन इस नई रिसर्च में उपकरणों के जरिए 100 करोड़ साल से ज्यादा की जानकारियां भी सामने आई हैं।